नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्चे और अच्छे फैक्ट्स। स्पेन के मशहूर चित्रकार पाल्वो पिकासो की प्रेमिकाएं अलग अलग समय में उनके चित्रों में छाई रहीं। फर्नांदे ओलिवर और रूसी बैले डांसर ओल्गा कोकलोवा, फ्रैंक वाजीलो और जैकलिन, इसके अलावा कई अन्य महिलाएं कम वक्त के लिए उनके संपर्क में रहीं। लेकिन उनकी पेंटिंग्स की असल मोनालिसा कौन थी? और शायद इसका जवाब है सिल्वेट डेविड। कौन थी सिल्वेट डेविड? जब सिल्वेट डेविड 19 साल की थी, तब उनकी मुलाकात चर्चित और विवादास्पद स्पेन के चित्रकार पाल्वो पिकासो से हुई। पिकासो तब बूढ़े हो रहे थे। सिल्वेट से हुई मुलाकात के बाद पिकासो की कई कलाकृतियों में उनकी झलक मिली। 1940 और 1950 के दशक में पिकासो के साथ रही और उनके बच्चों की माँ फ्रैंक वाजीलो ने 1964 में लाइफ विद पिकासो लिखी थी। पिकासो के साथ संबंध को जीलो ने प्रेम के साथ अपने करियर में बड़े बदलाव के रूप में देखा। पिकासो के लिए एक तरह से उन्होंने आर्ट क्रिटिक का काम किया। जीलो लिखती है, मुझे लगने लगा था कि अगर मैं करीब से देखूं तो पाऊंगी कि उनकी आधा दर्जन पूर्व पत्नियों के सिर फंदे से लटके मिलेंगे। उनकी प्रेमिका मैरी वॉल्टर और उनकी दूसरी पत्नी जैकलिन रॉक दोनों ने आत्महत्या की थी, लेकिन सभी का हश्र ऐसा नहीं रहा। एक और महिला जो कई महीनों तक पिकासो के प्रेम जाल में फंसी रही लेकिन सकुशल रही, उनका नाम था सिल्वेट डेविड। सिल्वेट से पिकासो की मुलाकात 1954 में हुई। पिकासो तब अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी थे और फ्रांस के बेले यूरिस में आलीशान महल में रहते थे। 70 बरस से अधिक के हो चले पिकासो की नज़र तब सिल्वेट पर पड़ी। 19 साल की सिल्वेट के बाल सुनहरे थे और वह सिर पर ऊंची चोटी बांधा करती थी। कुछ ही महीनों पहले सिल्वेट और उनके मंगेतर टोबी जेलिनेक बेले यूरिस शहर आए थे जहां सिल्वेट की मां रहा करती थी। टोबी फर्नीचर डिज़ाइनर थे और उनकी वर्कशॉप पिकासो के स्टूडियो से थोड़ी ही दूरी पर थी। यहां से सिल्वेट का पिकासो के स्टूडियो में आना जाना शुरू हुआ। सिल्वेट की पिकासो से पहली मुलाकात तब हुई जब पिकासो ने टोबी से कुछ कुर्सियाँ खरीदी और कुर्सियाँ पहुँचाने के लिए टोबी सिल्वेट के साथ पिकासो के बंगले में गए। कुछ हफ्तों बाद जब सिल्वेट पिकासो के स्टूडियो से सटी दुकान में अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीते हुए बातों में व्यस्त थी, तब सिल्वेट ने देखा कि पिकासो उनकी एक तस्वीर पकड़े हुए थे। बालों की लट और पोनीटेल वाली एक महिला की यह साधारण सी तस्वीर थी। सिल्वेट ने बाद में याद किया, यह एक तरह का आमंत्रण था। इसके बाद वह और उनके मित्र पिकासो के दरवाजे पर पहुंच गए। पिकासो इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन सिल्वेट को गले लगा लिया। पिकासो खुशी में लगभग चिल्लाते हुए बोले, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं। अगले कुछ महीनों में अप्रैल और जून के बीच पिकासो ने सिल्वेट को नियमित तौर पर अपने सामने बैठने के लिए मना लिया। पिकासो ने सिल्वेट के 60 से अधिक रेखा चित्र बना डाले जिसमें 28 कलाकृतियां शामिल थीं। शायद यह पहली बार था कि किसी खास महिला के उन्होंने इतने रेखा चित्र बनाए हों। पिकासो जब सिल्वेट से मिले थे तो उनका जीवन बुरे दौर से गुजर रहा था। एक साल पहले उनकी पत्नी जीलो उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। यह जानते हुए भी कि वह बूढ़े हो चले हैं और मौत उनके नज़दीक है, उन्हें सिल्वेट के यौवन में कुछ सांत्वना दिखी। लेकिन सिल्वेट और पिकासो ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए। सिल्वेट बेहद संकोची स्वभाव की थी और अपनी नग्न तस्वीर भी नहीं खिंचवा सकी। अब जबकि इन रेखा चित्रों को बने 50 से अधिक साल हो गए हैं, कुछ साल पहले दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में डेवोन में रह रही सिल्वेट डेविड से मिला। उनके पास चमड़े का एक बड़ा बैग था जिसमें पिकासो की तस्वीरों से जुड़ी अखबारों की कटिंग्स थी। डेविड का कहना था कि ये उनका मेमोरी सूटकेस है। पिकासो की बात छिड़ी तो उन्होंने कहा, मैं कभी उनका पर्याप्त आभार नहीं जता पाई। आखिर मैं उनकी मोनालिसा थी,
क्या आप ऐसा नहीं सोचते? अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही सच्चे और अच्छे फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।